जो चलते हैं अगले पार्ट पर। और यहाँ पर मैंने स्पोर्ट मेटल में से लिया है अगला पार्ट, और क्वेश्चन नंबर जो अगले पार्ट के फॉर्म में मैंने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 58। ये आप देख सकते हैं। और इफ ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल एम एंड ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा इक्वल एन, तो प्रूव करना है हमें कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल होगा एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। और 2001 में ये सी में कंपार्टमेंट में आया था, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आइए चलो करते हैं इस पार्ट को। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी मैंने पहले से लिख के रखा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आइए देखिए, यहाँ पर m की वैल्यू और n की वैल्यू गिवन है, इसलिए हम ये वाला LHS लेके चलते हैं, ये वाला पार्ट LHS, ठीक है, ये हमें लेके चलना है, मीन्स एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर। तो देखिए यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, आइए मैं उसको लिख लेता हूँ, a cos थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ये तो हो गई m की वैल्यू, और यहाँ पर स्क्वेयर लिखा तो हम भी यहाँ पर क्या लगाएंगे, स्क्वेयर लगाएंगे प्लस। फिर n की वैल्यू लेनी है, n की वैल्यू आपके सामने है, आइए n की वैल्यू भी लिख लेते हैं, b और cos थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर स्क्वेयर है तो ये देखिए स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर लगा लेते हैं। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन बन चुकी है, अब हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर a प्लस बी स्क्वेयर, तो a प्लस बी स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ भी इसको भी लिख देते हैं, और प्लस टू ए बी, ए क्या है हमारा, ए कोस थीटा, ये मल्टीप्लाई के डॉट लगाता हूँ मैं, ए बी बी साइन थीटा। और मल्टीप्लाई में बच्चों आगे पीछे लिखा जा सकता है, उससे मैं कई बार बोल चुका हूँ, उससे आंसर में आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस। ठीक है बच्चों, ये प्लस का साइन। अब यहाँ देखिए ए माइनस बी स्क्वेयर, तो इसमें माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस टू ए बी। ठीक है, ए क्या है साइन थीटा, ये ए है और ये बी की मैं डॉट लगा देता हूं मल्टीप्लाई का, तो बी यहां पर कोस थीटा इस तरीके से। अब आप देखिए बच्चों, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस प्लस क्या हो गए, आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, ए को आगे लिखे बी को पीछे लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये माइनस हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास जो नंबर बचा है वो नंबर ये है, मैं इसको एक बार इधर लिख लेता हूँ, ए स्क्वेयर कोस थीटा। ठीक है, मैं ये करता हूँ कि कोस को पहले लिख लेता हूँ, क्योंकि प्लस में है ना तो सभी, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, प्लस बी स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम ये साइन को लिख लेते हैं, प्लस ये वाला ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और ये प्लस बी स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हमारे पास फोर टर्म, 1 2 3 4, तो हम टू टू में से कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए इनमें से कॉमन आएगा बच्चों कोस स्क्वेयर थीटा, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और ये प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर कॉमन के फॉर्म में जो आएगा वो आएगा साइन स्क्वेयर, तो साइन स्क्वेयर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, यहाँ पर आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर एक तो जो ब्रैकेट से बाहर है उस नंबर को लिख लेते हैं, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। ठीक है बच्चों, और दोनों ब्रैकेट में से एक नंबर को ले लेते हैं, एक ब्रैकेट को ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर की वैल्यू होती है बच्चों 1, ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम वही आएगा, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो हमें प्रूव करना था वो हो गया है। यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखा सकता हूँ कि हमने एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर को सोल्व किया तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के इक्वल आ गया है। तो बच्चों LHS इक्वल है RHS। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना, और इसमें से देखकर दूसरों को जरूर सिखाना। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।